कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। ठंडी हवा और खूबसूरत मंजर, हमारे ख्याल है ये फील करने वाली जगह है, और फील इस टाइम फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये बगैर एसी थी जरा और 10 व्यू चेक करी कि हजार नौ खल ने होंगे सा जगह दा तो सही दसने हैं मजीद खूबसूरती जरी इजाफा हो गया हर कदम ऊपर। थैंक यू सो मच। सिर्फ तुसा सारे वास्ते ताकि तुसा सारे एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू बसत अली व्लॉग। उम्मीद है खैर खरीयत नाल होसे दा अल्लाह पाक ने इज्जत ईमान ही जोसो। अज असना प्रोग्राम है नक्याल, एक शादी है, बस चेंज करना घर जाना, कपड़े चेंज करी दा शादी पर निकलना दा। तुसा एक खूबसूरत इलाका जिसना नाम नक्याल है, उसका मुकम्मल व्यू सारे जेने मेहमान है उन्होंने गलबात कराने जुड़े रहो बसत अली व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? क्या लगे फोन दे अंकल पहुंची आए? बिल्कुल जरा ना गुस्से कोई नहीं हो, अस गल प्रेमी से जो गुस्सा कर सर फोन लगे आगाज कर दे। यूं बची ने से लगे कोबरा नहीं नकियाल ने खूबसूरत सफर जिसना आगाज करी हो रहा। सारे नहायत ही काबिल इज्जत काबिल एहतराम अंकल मिस्टर जैक खान खुद ड्राइव करी रहे आज गाड़ी। सिर्फ तुसा सारे वास्ते ताकि तुसा सारे एंजॉय करो। और बेहतरीन ड्राइवर साबित होने लगे ना क्योंकि फर्स्ट टाइम होया कि अंकल खुद ड्राइव करने लगे ना। प्यार है ना ये सारे नाल सोना। बाबर नहीं आया वो ड्यूटी कोटली से निकली है आसा। ठीक है ना? ठीक है जी। अंकल भी पहाड़ी सोनी बोल दे। वो देखो रोड देखो जी एंजॉय करो जी। बस पहुंचने नक्याल का तुम फिर दसने कि नक्याल नहीं मजे ने व्यू क्या है, मजे नहीं चीज़ क्या है, और लोगों ने बोली किस तरह नहीं है, और उन्होंने लहजा किस तरह ना है। खूबसूरत चीज़ खूबसूरत लोग खूबसूरत जगह खूबसूरत इलाके हर चीज़ तुम दसने जुड़े रहो बस तली भी लोग में। कश्मीर जो डिस्ट्रिक्ट कोटली है, बाकी तो पूरा का पूरा कश्मीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोटली है उसका सबसे खूबसूरत जो इलाका है वो नक्याल है। ये सीन बहुत सुने इधर आगे थोड़ा जाओ। ये देखें जी अकादा सीन यार माशाल्लाह एक से एक जगह खूबसूरत थी माशाल्लाह। ये बगैर एसी थी जरा और 10 व्यू चेक करी कि नौ खलने होंगे सा जगह दा तुसा दसने हैं मजीद खूबसूरती जेरी इजाफा हो गया हर कदम ऊपर हर किलोमीटर बाद इजाफा हो गया। अंकल रिक्वेस्ट करने हैं कि किसा जगह स्टॉप करो। इज सो अंकल प्लीज स्टॉप करो ना किधर है। ठीक है जी। सारे पब्लिक वादी वाला गिला करने यानी कि तुसा जिथु सफर शुरू करने हो okay. जिथे पहुंचने हो बस वही रास्ते ही कुछ नहीं। शाह साहब किधर खलने हो? ए हां गए ए है बनी हुई जी। ये देख लीजिए यहां पे आप खड़ी होंगे ये जगह भी बनी हुई है जो मिल गई हमें इधर स्टॉप कर लेते हैं। माशाल्लाह वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज ब्यूटी ऑफ आजाद कश्मीर जिसकी वजह से लोग कहते हैं अंकल यार यो खूबसूरती है जिस वजह से आने कश्मीर है जन्नत। वाओ दिस इज अमेजिंग एब्सोल्युटली ओ सॉरी आपने बोल दिया दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये नज़ारा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन ना कर सकना। आई कांट एक्सप्लेन टू यू हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। यू हैव टू कम हियर टू सी इट। मैं भी ये फील करना कि इनक ला कैब तक नज़ारे खत्म हो जाए। ये सर जो भाई है रजा जी ये भी दसो नीचे तक मारो हाला कैमरा। ये सारा बोलना मेरा राजा जी बनाओ जी वीडियो बनाओ ना एक टार तको इतने बंदे जो इसने एंजॉय करने माशाल्लाह जी वेरी खूबसूरत और नाइस जगह ही है जिसे अस इस टाइम मौजूद हाँ।
ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਿਆਲ ਜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵਿਊ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇਸਨਾ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਪਾਰ ਭਾਰ ਹੀ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਈ ਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨੀ? ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੀਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਨਾਈਸ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈਦਾ ਤੱਕ ਦੱਸਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਆਏ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਮ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੈਂ ਹਮ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਗਊ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਰੱਖੀ ਨੀ ਦੁਕਾਨ, ਸੀਖਾਂ ਸ਼ੀਖਾਂ ਲਾਣੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਓ ਇਹਨੇ। ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੀਚੇ ਜਾ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਜਾਣਿਆ ਇਸਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨੀ। ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਖਾਈ ਰਹੇ। ਅਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਖਾਈ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀ ਰਹੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਇਸਰਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਸੀ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੰਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲਨੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਦੱਸਣੇ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ, ਲੋਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਅਸਾਂ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲੇ ਆ ਕਾਰਨੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚੀ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ। 20 ਫੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਬੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।